I'm not safe. तो इस वीडियो में हमारा मकसद आपको डराने का नहीं है बल्कि आपको सतर्क करने का है हाँ तो इसी के साथ मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप आज वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जर्मनी सेफ है सबसे पहली बात क्या जर्मनी सेफ है और दूसरी बात यहाँ पर अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो या एज ए कपल आ रहे हो या जॉब करने के लिए आ रहे हो कौन कौन से नंबर्स या कौन कौन सी चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आप जर्मनी या यूरोप में रहकर भी सेफ रह सको ये वीडियो उसी के ऊपर होगा बहुत मजा आएगा हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर करे हैं तो स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो। वीडियो देखना और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना तो लेट्स गेट स्टार्ट आज दिन भी बड़ा अच्छा है और हमने सोचा क्यों ना आपके लिए एक अच्छा सा इन्फॉर्मेटिव लाएं तो जैसा सुरभि ने बोला आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि टॉपिक जो है वो है सेफ़्टी स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जर्मनी में सेफ़्टी कितना इम्पोर्टेंट है वो सभी को पता है और कितना सेफ है ये देश स्टूडेंट्स के लिए ऑफ कोर्स कई पेरेंट्स हैं जिनको चिंता होती है जिनके बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं कि कितना सेफ़ है जर्मनी उनके लिए तो अगर मैं एक ओवरव्यू आपको देना चाहूँ तो जर्मनी की जो रैंकिंग है सेफ़्टी में वो है ट्वेंटी सेकेंड जो बहुत अच्छी रैंकिंग है और ये थोड़ा सिनेरियो बदला है 2016 के बाद से क्योंकि 2016 में काफ़ी लोगों को पता है कि यूरोप में कुछ अटैक हुए जो पेरिस के अंदर हो गया ब्रुसेल्स के अंदर बर्लिन के अंदर उसके बाद से यहाँ पर जो थोड़ा सेफ्टी के लिए स्पेशली जो टेररिस्ट अटैक हुए थे उसको लेकर काफ़ी जो यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट है और जो स्पेशल फोर्सेस है वो काफ़ी अवेयर हुए हैं तो जो सोशल गैदरिंग्स हैं ट्रांसपोर्ट है या फिर जहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी अमाउंट में गैदरिंग्स होती हैं वहाँ पर पुलिस का काफ़ी अच्छी निगरानी होती है तो जब भी आप देखेंगे जैसे कि अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप देखेंगे स्टेशन पर और मॉल्स के अंदर आसपास पुलिस हमेशा आपको तैनात दिखेगी पुलिस की गाड़ियां घूमती हुई दिखेंगी दिन में रात में तो काफ़ी ज़्यादा चौकनी होती है पुलिस यहाँ पर अब हम आपको और डिटेल में बताते हैं हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस हम यहाँ पर चार साल से रह रहे हैं हमने कितना कितना एक्सपीरियंस किया क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं रात में घूमना दिन में घूमना सुरबी अकेले भी ट्रैवल करती है कई बार रात में तो हम आपको बताएंगे हमारे एक्सपीरियंस है कि कितना सेफ हमें जर्मनी लगता है और जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं या फिर आने वाले हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर हैं उनको किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं डिटेल में तो अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ अब दीपक ने बोला कि बहुत ही सेफ है जर्मनी हाँ सेफ है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप आंख बंद करके जो है कहीं पर भी चले जाओ अपना सामान जो है वो ऐसे ही रख दो वो मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर वैसे तो बहुत ज़्यादा जो बड़े क्राइम होते हैं वो नहीं होते हैं। लेकिन छोटे मोटे क्राइम जैसे आपकी कुछ पिक पॉकेटिंग हो गई या छोटे मोटे जो थ्रेट्स होते हैं वो ज़रूर होते हैं पर अगर मैं मेजर क्राइम की बात करूँ वो उसके केसेस जो हैं जर्मनी में बहुत कम हैं अभी एक ही रीसेंट एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ अभी मैं ट्रेन से स्विट्ज़रलैंड से जर्मनी आ रही थी और वहाँ पर पुलिस वालों को कुछ थ्रेट लगा उस ट्रेन में आई डोंट नो क्योंकि उनकी आय हमेशा रहती है तो कुछ हुआ होगा तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया दो पुलिस वाले थे उनके पास तो सारे सारी चीजें होती हैं उनकी पिस्टल और वो सारी चीजें एक डॉग लेके आए थे जर्मन शेफर्ड और वो सारी देख रहे थे मतलब वहां पूरा सब कुछ जो है वो चेक कर रहे थे कि यहां पर जो है वो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है जो मैंने रिसेंटली देखा और वो सब करने में वो दूसरे लोग जो वहां पर ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन से उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन पुलिस को जो काम करना होता है है, वो अपना काम जो है वो कर लेते हैं अगर उन्हें कहीं पर भी ऐसा फील होता है कोई थ्रेट है या सेफ्टी इशूज हैं तो ये एक एग्जाम्पल हुआ दूसरा एक चीज और जो पब्लिक गैदरिंग होती है जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं जो एक मेजर फेस्टिवल है वो है अक्टूबर फेस्ट वहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है उस जगह पर हो सकता है कि आपके सामान जो है वो चोरी हो जाए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जगह के लोग आते हैं लड़ाई झगड़े भी होते हैं छोटे मोटे क्राइम भी हो जाते हैं हो सकता है बड़े भी क्राइम हो क्योंकि अफकोर्स जहाँ बहुत सारे लोग हों वहाँ ये सारी चीज़ें होना पॉसिबल है लेकिन वहाँ पर भी जो पुलिस की निगरानी है वो हर समय जो है वो रहती है इवन जो छोटे मोटे समर फेस्टिवल्स होते हैं बाकी सारे फेस्टिवल्स होते हैं उसमें भी हमने देखा अब हम आप लोगों को ये बताएंगे कि एज़ ए इंटरनेशनल स्टूडेंट एज ए इंडियन स्टूडेंट आप यहाँ पर आ रहे हैं तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए ताकि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको पहले से ही पता हो आपके बकेट लिस्ट में चीज़ें आपके पास सारी हो कि यार ये ये चीज़ें जो हैं वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए तो हमारे एक्सपीरियंस से चलो लेट्स हम वो स्टार्ट करते हैं कि एज ए अगर आप स्टूडेंट यहाँ आ रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो नंबर्स हैं वो आप हमेशा अपने फ़ोन में सेव करके रखें लिख के रखें या दिमाग में याद कर लें सिंपल चीज़ें जो वन वन जो नंबर होता है वो है यहाँ पर पुलिस का आप कभी भी किसी भी टाइम किसी भी फ़ोन से कॉल कर सकते हैं फ्री होता है ये नंबर इमरजेंसी में तो जब भी आपको पुलिस की हेल्प पड़ती है या आप कभी ऐसे एनवायरनमेंट में ऐसे सिनेरियो में फंस जाते हैं जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप कॉल कर सकें जहाँ पर आपको लगता है कि आपको हेल्प की जरूरत है तो आप बिना हिचक के कॉल कर दीजिए उन्हें दूसरा जो नंबर है जो उस और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एम्बुलेंस का और फायर ब्रिगेड का फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको को कोई हेल्थ इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो वन वन टू जो नंबर है वो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं उसके लिए भी आपको फ़ोन में बैलेंस होने की ज़रूरत नहीं है फ्री कॉल कर सकते हैं तो वो वहाँ से आप एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड को बुला सकते हैं और एक और चीज़ अगर मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करना चाहूँ वो होगी कि कई बार ऐसे सिनेरियोज़ होते हैं कि जहाँ पर आपको हेल्प नहीं मिल पाती है लोकल अथॉरिटीज़ से तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप अपना जो भी कॉन्जुलेट uh, और एम्बेसी का नंबर है स्पेशली इंडियन एम्बेसी का नंबर और ई मेल अपने पास रखें हमेशा और कभी भी ज़रूरत पड़ती है कोई भी ऐसा सिनेरियो फंसता है तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तीन जो नंबर्स हैं ये आपके पास हमेशा होने चाहिए अब आपको ऐसा लग रहा होगा दीपक ने जैसे बताया कि आप पुलिस को कभी भी कॉल कर सकते हो तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा दिमाग में आती है मुझे तो बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि हमेशा इंडिया में रहे हैं हम लोग कि यार पुलिस वाले जो हैं वो रिलायबल हैं क्या क्या हम उन्हें कभी भी कॉल कर सकते हैं तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कभी भी आपको सेफ्टी कंसर्नस हैं तो आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं और यहाँ की पुलिस जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होती है आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं तो तीसरी बात ये कि जब पुलिस वाले आते हैं तो उनके साथ हमेशा लेडी इंस्पेक्टर्स जो हैं होते हैं लेडी पुलिस जो होती है वो हमेशा साथ में होती है मतलब एक पूरा ग्रुप आता है अगर आप इमरजेंसी नंबर पे कॉल करते हैं तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं जैसे हमें लगा कि यार हमें कुछ सेफ्टी प्रॉब्लम है पर हम इसलिए सिर्फ कॉल नहीं करते क्योंकि हमें ये लगता है यार कॉल करके ऐसा ना हो हम किसी मुसीबत में फंस जाएं पर ऐसा नहीं है पुलिस वाले जो हैं वो आपकी बात जो है वो अच्छे से समझेंगे सुनेंगे और उसके ऊपर जो भी उनको एक्शन लेना है वो लेंगे इसके अलावा अगर जैसे आपका सारी सिचुएशन जो है वो सॉर्ट आउट हो गई आप एक बार जब घर भी चले जाते हो तो भी वो आपके ऊपर निगरानी रखेंगे या आपको कॉल करके पूछेंगे कि अब सब सही है या नहीं इसके ऊपर एक हमारा व्लॉगिंग चैनल पे एक वीडियो है जिसमें हमने खुद ने पुलिस को बुलाया था और पुलिस जो है वो विद इन सेकेंड्स में जो है वो आपके पास आ जाती है बिना कुछ पूछे कि आपका एड्रेस क्या है तो जो ट्रैकिंग होती है उसके थ्रू वो आपके पास आ जाती है और वो सारी सिचुएशन जो है जो भी हुआ वो आपसे सुनती है वो व्लाग ज़रूर देखना ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर जो पुलिस है वो कितने जल्दी जो है वो रिएक्ट करती है तो ये जो नंबर है वन वन जीरो जो पुलिस का नंबर है ये आप सेव करिए अपने दिमाग में जो है वो नोट डाउन करके रखिए और कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आई एम नॉट सेफ तो जस्ट कॉल दैम और एक्सप्लेन करिए अपनी सारी सिचुएशन ये जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है जर्मनी में और जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आप अपने ध्यान में रखना हमेशा काफ़ी लोग अगर आप यूट्यूब वीडियो देखोगे हमारा भी वीडियो देखोगे तो हम भी बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सेफ़ है जर्मनी और भी लोगों के आप वीडियोज़ में आपको ये देखने को मिलेगा मैंने जैसा कि बोला कि हमारे घर में भी सामान ओपन मतलब ऐसे ही बैक में पड़ा रहता है लोगों के घर में मतलब क्लास के कांच के डोर होते हैं ऐसे ही ओपन रहती हैं चीज़ें पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप केयरलेस हो जाएं आपका जो भी इम्पॉर्टेंट सामान है उसको आप हमेशा ख्याल रखें अपने साथ रखें ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं बस में ट्रैवल कर रहे हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम आप अपना सामान इधर उधर छोड़ भी देते हैं ना तो आपको नाइन्टी टाइम चीज़ें मिल जाती हैं लेकिन फिर भी वो जीरो पॉइंट जीरो वन परसेंट में आप आ हाँ सकते हैं कि कई बार ऐसे भी फैक्टर हैं कि ऐसे भी लोग होते हैं जो चोरी चकारी करते हैं होते हैं वो सभी जगह होते हैं यहाँ पर भी होती हैं कम होती हैं तो ख्याल रखें अपनी चीज़ों का अपने साथ रखें स्पेशली आपके जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं दूसरा एक चीज़ का और ख़्याल रखें हमेशा कि अब पिछले कुछ समय से मतलब रिसेंटली ए फ्रॉड्स बहुत होने लगे हैं यहाँ पर बहुत तो नहीं कहूँगा लेकिन होने लगे हैं तो जब आप कभी ए से आपको पैसे निकालने हैं तो आप अवॉइड करें किसी आइसोलेटेड ए से रात को पैसे निकालना या फिर ख्याल रखें कि जब आप पैसे निकाल रहे हैं तो मतलब थोड़ा सा क्या होता है ना जब हम बाहर आते हैं हमें लगता है सब कुछ सेफ है तो हम क्या होता है ना थोड़ा सा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यार सब कुछ ही तो सेफ़ है यहाँ पर क्या ही फ़र्क पड़ता है तो उस केस में हम केयरलेस भी हो जाते हैं लेकिन फिर भी आप हमेशा ख्याल रखें कि आपका कोई पासवर्ड और ये सब चीजें ना देख रहा हो कोई कार्ड मांगे तो आप दे ना दें ऐसे ही तो इन चीजों का ख्याल यहां पर भी रखें थोड़ा सा हम मतलब हम बहुत ज्यादा सावधान इंडिया और ये सब देखते हैं तो <laughs> एक डायलॉग बोलेंगे कि हमारा काम जो है वो आपको डराने का नहीं है आपको सतर्क रखने का है सीधी सी बात है यार हमारे लोग अगर यहाँ पर आएंगे तो हम भी चाहेंगे कि वो एकदम बिल्कुल उन्हें पता हो क्या सेफ है क्या hmm. सेफ नहीं है कहाँ कहाँ उन्हें ध्यान रखना चाहिए और कौन से नंबर जो है उन्हें नोट डाउन रखना चाहिए तो अब दीपक आई थिंक ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है एंड एक्चुअली इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों को पता नहीं होता मैं आया था मुझे भी नहीं पता था कौन कौन hmm. से नंबर होने चाहिए क्या पुलिस का नंबर क्या एम्बुलेंस का नंबर किन किन चीज़ों का ख्याल रखें तो अगर आपको इन चीज़ों से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिले तो बहुत अच्छा है कोई थोड़ा बहुत भी अगर प्रॉब्लम में फंसने से बच जाए तो और भी अच्छा है और मकसद डराना नहीं चेतावना <laughs> और हाँ अगर आप लोगों को हमारी मेहनत जो है वो अच्छी लग रही हो हम जो आपको यहाँ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देते हैं तो अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हम आप लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं और हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉगिंग चैनल है जिसमें हम बहुत बकर करते हैं वो वीडियो ज़रूर देखना बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को जर्मनी में लाइफ हमारी कैसी है वो देखने में है ना दीपक फिर और, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी